दोस्तों टाटा IPL 2023 कोलकाता वर्सेस RCB का मैच होने वाला है दोस्तों 13 घंटा बचा हुआ 7:30 बजे वही शाम अपने टाइम पे होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक प्रेडिक्शन करने वाले हैं कोलकाता वर्सेस RCB मैच का। तो पूरा वीडियो देखना, सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा और दोस्तों कौन सा प्लेयर ऐसा होने वाला है जो आज के इस मैच में तबाही मचाने वाला है। तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो दोस्तों आज के मैच में बवाल मचाने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना, कुछ दोस्तों आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्रिकेट टीम में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको प्लेयर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन पे होगी। तो गाइस यहाँ पे आपने मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं जो टीम बनाने वाला हूँ ये टीम सिर्फ आपको एक दोस्तों यहाँ पे रियल टीम नहीं रहेगी, फाइनल टीम नहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ पे एक दोस्तों सजेशन रहेगा। जो फाइनल टीम है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम जो कि अकाउंट पे स्टोरी में मिलेगा, ठीक है, जब मैं स्टोरी लगाऊंगा। जैसे ही मैच का डेडलाइन जो होता है अनाउंसमेंट हो जाते हैं प्लेयर, तुरंत मैं ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी लगाऊंगा और वहां से आप लोग देखेंगे कि कौन कौन प्लेयर आपको रखना है अपने मैच में, ठीक है, अपने टीम में, सॉरी, ठीक है। और जो लिंक है वो इंस्टाग्राम अकाउंट का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा @zone55, तो जाके सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट लिंक से क्लिक करें, डायरेक्ट अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी, आपको स्टोरी मिल जाएगी, उस पर आप देख के कि हम फाइनल टीम बनाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे जो कि हमारे विकेट कीपर के तौर पे अगर देखा जाए दोस्तों RCB से दिनेश कार्तिक थे और कोलकाता से रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक मैच दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दिनेश कार्तिक का जो पिछला वाला मैच था उसमें काफ़ी अच्छा मतलब प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिला है, और इन्होंने एक मैच खेला है ड्रीम टीम में, अगर इनको आप देखने की बात करें तो 0% यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी बेकार पॉइंट, काफ़ी बेकार ये दोस्तों मैच को प्ले किए थे। बैटिंग पॉइंट में -2 मिला था और अदर पॉइंट सिर्फ ये 12 पॉइंट देखे गए थे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों -2 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये मतलब मैच तो प्ले किए थे और यहाँ पे बैटिंग के लिए आए भी थे लेकिन शायद तुरंत ही आउट हो गए थे, ठीक है, तुरंत आउट हो गए थे। अगर हम लोग इनके यहाँ पे नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कैच आउट हुए थे, यहाँ पे कैच किए थे एक, ठीक है, कैच किए थे मतलब कैच को पकड़ा था, तो यहाँ पे आपको 8 पॉइंट देखने के लिए मिला था इनका। तो ऐसे आज के इस मैच में अगर मतलब यहाँ पे अगर ये फॉर्म में दिखते हैं तो ही इनको हम लेते हैं, वरना इनको नहीं लेंगे। हाँ, कोलकाता की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज को ले लेंगे आज के इस टीम में, आज के इस मैच में, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए हम लोग को मिला था, 29 पॉइंट यहाँ पर बैटिंग का इन्होंने दिया था और अदर पॉइंट 12 मिला था, ठीक है। तो 12 और 29 21 पॉइंट हमको यहाँ पे मिला था जो कि एवरेज पॉइंट है, सिर्फ एक मैच प्ले किया था और 100% यहाँ पर ड्रीम टीम में भी इन्होंने रहा मतलब रहे, ठीक है। और 65.25% लोगों ने रहमानुल्लाह गुरबाज को सेलेक्ट किया था, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे 7.5 का क्रेडिट है और कम क्रेडिट में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहमानुल्लाह गुरबाज ने किया है। अगर इनके पहले मैच की बात करें तो काफ़ी अच्छा मतलब पॉइंट इन्होंने दिया था, क्योंकि ये ओपनर मतलब विकेट कीपर भी हैं कोलकाता की तरफ से। और अगर बात करें 2022 में कैसा प्रदर्शन रहा है रहमानुल्लाह गुरबाज का, तो वो भी आप लोग दोस्तों देख लीजिए कोलकाता वर्सेस RCB का। अगर हम पुराना मैच की बात करते हैं कोलकाता वर्सेस RCB, ठीक है, कोलकाता वर्सेस RCB का पुराना अगर हम देखें 2022 का आंकड़ा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इन्होंने प्ले किया था। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों RCB ने जो कि मैच को पूरा फाइनल जीता था, ठीक है, 3 विकेट और 4 बॉल दोस्तों बची हुई थी तभी इन्होंने जो कि यहाँ पे मैच को RCB ने जीता था। और यहाँ पे जो मैन ऑफ द मैच बने थे वो भी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं समरी में, वर्नाडो हसरंगा ने जो कि यहाँ पे RCB के प्लेयर हैं, इन्होंने यहाँ पे दोस्तों मतलब मैन ऑफ द मैच बने हुए थे। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि 19.2 ओवर में 132 रन ठोका था RCB ने और 128 पे यहाँ पे टीम उनकी सारे समाप्त हो गई थी। और यहाँ पे दोस्तों जो कि रॉयल चैलेंजर्स की यहाँ सबसे पहले बात करेंगे नाइट राइडर्स यानी कि कोलकाता के बारे में, तो गाइस कोलकाता में जो कि अभी यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे क्या नाम है दिनेश कार्तिक के बारे में, दिनेश कार्तिक की पहले मैच में मुझे लगता है कि नहीं एकदम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैक सनो था विकेट कीपर के तौर पे और इनको बॉलिंग में वर्नाडो हसरंगा ने आउट किया था, तो यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है, हो सकता है बाद में मैं चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज को आपको लेके चलना है कोलकाता में, रहमानुल्लाह गुरबाज कोलकाता में है और यहाँ पे नाइट राइडर्स में पहले मैच में नहीं थे, रहमानुल्लाह
गुरबाज लेकिन अब की मैच में है, और एक मैच जो पहले हुआ था 2023 का तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। और वही बात करें आरसीबी के दिनेश कार्तिक की, तो अगर हम आरसीबी में आते रॉयल चैलेंजर्स में, और यहाँ पे विकेट कीपर दिनेश कार्तिक थे और 7 बॉलों में सिर्फ 14 रन जड़ा था, 1 छक्का और 1 चौका मार के, ठीक है, 2 चौका स्ट्राइक रेट था। विकेट कीपर दिनेश कार्तिक नॉट आउट हुए थे, तो यहाँ पे दोस्तों दिनेश कार्तिक कब को नहीं लेना, क्योंकि दिनेश कार्तिक 5वें 6वें नंबर पर आएंगे। ये IPL T20 है नहीं कि 4वें नंबर पर 5वें नंबर पर आ जाएंगे, ठीक है, तो लास्ट में थोड़ा मतलब आ जाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर यहाँ पे दिनेश कार्तिक ने उतरा था, मतलब उतरे थे, तो यहाँ पे हमको काम करना है, दिनेश कार्तिक को छोड़ देना है, हो सकता है बाद में कुछ चेंजेस आ जाए तो आपको यहाँ पे कर लेना है। बैट्समैन में आते हैं, बैट्समैन में विराट कोहली को आपको हर हाल में दोस्तों लेना होगा, आज क्यों लेना होगा वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। विराट कोहली जो दोस्तों क्रेडिट है वो 9.0 का है और यहाँ पे 94.23 लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है। विराट कोहली का जो कि इससे पहले वाला प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था, मतलब यहाँ पे एक मैच प्ले किया 122 पॉइंट दिया है, ड्रीम टीम में 100% थे और सिर्फ बैटिंग पॉइंट 110 का है। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अभी ये भी आ रहा है कि हो सकता है आज के मैच में विराट कोहली ना चले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन प्लेयर चलेगा कौन नहीं, तो यहाँ पे हम इनको लेके जरूर चलेंगे क्योंकि हो सकता है चल भी सकते हैं। और अगर हम बात करें मतलब यहाँ पे 2022 के बारे में, मतलब पहले मैच में, तो यहाँ पे 2022 में देखो कैसे दोस्तों यहाँ पे मात्र 7 गेंदों में आउट हुए थे, 12 रन बना के 2 चौका पीटे, ठीक है, ओवर 71 का स्ट्राइक रेट था इनका विराट कोहली है, यह मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे ये 12 ही रन बना के सिर्फ आउट हुए थे, तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते विराट कोहली के बारे में, तो ले भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं और आरसीबी दोस्तों आरसीबी में फैफ डू प्लेसेस को लेंगे, इन्होंने अगला मैच जो पिछला मैच जो इन्होंने खेला था काफ़ी अच्छा खेला था, 114 का यहाँ पॉइंट मिला था, ड्रीम टीम में 100 पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है 100 स्कोर का, और 102 यहाँ सिर्फ बैटिंग से मिला हुआ है इनको, ठीक है। तो गाइस हम लोग इनको भी लेके चलने वाले हैं 83.25 पे, जबकि यहाँ 52 जबकि यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, 114 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने ठोका था, यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हो आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच यहाँ पे मैच हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इनको लेके चलने वाले हैं फैफ डू प्लेसेस को बैटर के रूप में। और यहाँ पे कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता में दोस्तों हम लोग इनको लेने वाले हैं, कोलकाता दोस्तों प्लेयर तो है लेकिन हम लोग लेने वाले तो नहीं है उनको, तो हम लोग यहाँ पे कोलकाता में इस तरीके से लेंगे एन रैना को ले लेंगे, एन रैना को यहाँ पे दोस्तों लेने वाले हैं, एन रैना के बारे में बात करें पिछला मैच के बारे में, तो यहाँ पे कोलकाता ने अभी क्योंकि मैच जहाँ पे खेला हुआ था और पंजाब के खिलाफ खेला हुआ है, इन्होंने 31 पॉइंट बैटिंग का पॉइंट दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हम एक रन लेने वाले हैं। और यहाँ पे नीतीश राणा जो है वो अगर हम की बात करते हैं इनसे पहले वाले मैच में जो कि 2022 में, तो दोस्तों नीतीश राणा ने 5 गेंदें खेली थी और 5 गेंदें में 10 रन बनाया था, यहाँ पे दोस्तों ये कैच आउट हो गए थे, 200 का स्ट्राइक रेट था क्योंकि इन्होंने 1 चौका 1 छक्का लगातार मारा था, तो हो सकता है दोस्तों इस मैच में भी चल सकते हैं क्योंकि पहले वाले मैच में चले थे, थोड़ा मोड़ा चले थे लेकिन मतलब चल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोलकाता की तरफ से इन राणा को लेने वाले हैं। ऑलराउंडर मगर हम आए और रसल को न ले तो बेकार है, और ग्लेन मैक्सवेल को जरूर ही लेना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए दोस्तों रनडो हसरंगा जो है वो अनअवेलेबल है और साकिब अल हसन भी अनअवेलेबल है, हो सकता है ये लोग भी मतलब नहीं खेल पाएंगे, लेकिन हो सकता है अगर आ जाते हैं क्योंकि चेंजेस तो आता रहता है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एंडर रशल को लेंगे, और एंडर रशल जो कि यहाँ पे अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एक मैच प्ले किया था 56 पॉइंट इन्होंने दिया है अकेले, और 100% का यहाँ पे ड्रीम टीम का यहाँ पे स्कोर भी मिला हुआ है, बॉलिंग पॉइंट सॉरी बैटिंग पॉइंट इनको 52 मिला हुआ है, और 90.88% इनको लोगों ने सिलेक्ट किया था कोलकाता की तरफ से एंडर रशल। और बात करते हैं एंडर रशल जो कि यहाँ पे प्रदर्शन के बारे में 2022 में 18 गेंदों में मात्र 25 रन मारा था जो कि यहाँ पर कैच आउट हुआ था, लगातार 3 छक्का मारा था, 138 का यहाँ पे स्ट्राइक रेट इनका था। तो गैस यहाँ पे अगर हम इसी और आपको दिखाते हैं कि एंडर रशल का जो कि 92.48% सिलेक्ट था और यहाँ पे 94.23% यहाँ पे विराट कोहली का सिलेक्ट था, ठीक है, तो 2 ही पॉइंट कम था मतलब यहाँ पे परसेंटेज देखा जाए हिसाब से, तो एंडर रशल को हम लोग ले लेते हैं जो कि 9 क्रेडिट है और 56 पॉइंट इन्होंने पिछले मैच में हमको दिया था। और बात करें ग्लेन मैक्सवेल जो कि आरसीबी से, आरसीबी में दोस्तों यहाँ पर देखोगे ग्लेन मैक्सवेल के बारे में तो यहाँ पे 83.9% लोगों ने सिलेक्ट किया था इसको और सिर्फ 16 पॉइंट दिया था। आपको दोस्तों पता जब से यहाँ पे मतलब T20 में ग्लेन मैक्सवेल बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रीम टीम में भी 0 है, यहाँ पे इनको मतलब बेकार एकदम परसेंट दिया गया है। और गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि ग्लेन मैक्सवेल पिछले T20 करियर में या फिर IPL करियर में कोई भी मैच में देख लो लगभग 2 साल से बहुत ही बेकार प्रदर्शन कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल, मतलब जाते ही तुरंत आउट हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे RCB में ग्लेन मैक्सवेल की तो आपको मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ,
दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल जो कि यहाँ पे पिछला मैच नहीं खेला था, शायद वहाँ पर कुछ और टीमें थे होंगे। तो गाइस यहाँ पे हमको अभी के लिए ग्लेन मैक्सवेल को दोस्तों देखना होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम इनको लेने वाले हैं, ठीक है, ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाद में चेंजेस होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 का क्रेडिट दे रहा है ड्रीम इलेवन, 9 का क्रेडिट, ठीक है, समझ रहे हो कुछ। अब यहाँ पे सुनील नारायण जरूर लेना है, क्योंकि यहाँ पे इनका पिछला वाला प्रदर्शन ताड़ा था, एक विकेट जरूर इन्होंने दोस्तों लिया हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों देखोगे, यहाँ पे भी आपको मैं चीज़ दिखा दे रहा हूँ आपको सुनील नारायण के बारे में, ये कहाँ के प्लेयर हैं वो भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये कोलकाता के हैं, और कोलकाता में दोस्तों यहाँ पे आने के बाद सुनील नारायण के विकेट भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दोस्तों एक विकेट इन्होंने लिया था, जो कि यहाँ पर सबसे अच्छा बताया टीम सोच गया था, चूँकि 3 विकेट लिया था और आइकन 5 है था, ठीक है। तो यहाँ पे सुनील नारायण को हम लोग लेंगे जरूर, क्योंकि वो ऑलराउंडर हो सकता है कि मतलब बाद में वो मतलब चल सकते हैं बैटिंग के भी तौर पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टीम सॉ और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोलकाता के लिए लिए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे आरसीबी के, आरसीबी दोस्तों ब्रेसवेल भी हैं और एस अहमद भी हैं। तो हम लोग ब्रेसवेल में जो है 59.47 का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेल बाई है, जो कि सेल हुए हैं। और यहाँ पे शायद दोस्तों इन्होंने भी एक विकेट लिया था, और यहाँ 25 पॉइंट से बॉलिंग पॉइंट से मिला था, बाकी और कुछ भी इन्होंने नहीं दिया था। मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे लिया था। ये मिशेल ब्रेसवेल जो कि यहाँ पे न्यूजीलैंड का प्लेयर है, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, ऑफ ब्रेक साइड मतलब दूसरी यहाँ पे इनका बॉलिंग करते हैं ये। अब हम बात करें इनका पिछला मैच कैसा प्रदर्शन रहा था ब्रेसवेल का, तो यहाँ पे आप देखोगे पिछले मैच में दोस्तों इन्होंने खेला ही नहीं था, सॉरी इन्होंने खेला था। नाइट राइड से बारे में देखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। ब्रेसवेल शायद दोस्तों नहीं खेला था, ठीक है, इन्होंने पिछला मैच नहीं खेला था, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि एस अहमद जो कि यहाँ पे नीचे वाले हैं, इन्होंने दोस्तों खेला था और एक ओवर फेंका था, सिर्फ 16 रन दिया था 0 विकेट के नुकसान पर, ठीक है, मतलब बिना विकेट दिए। तो इनको हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, इनको नहीं लेने वाले हैं, हम लोग ऑलराउंडर 4 ही लेंगे। अब बॉलिंग में आते हैं, बॉलिंग में आने के बाद टीम सबसे पहले हम लेने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में 2022 में काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिला था, 100% का ड्रीम स्कोर है, और यहाँ 48 पॉइंट इन्होंने दिया है, सिर्फ और सिर्फ 44 पॉइंट बॉलिंग से दिया है, ठीक है, एक विकेट भी लिया था, प्लस और जो कि इकोनॉमी रेट डिक्रीज किया था, और इनका मतलब 8.5 का क्रेडिट भी दिया गया है, और सिलेक्टेड बाई 65% 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनको सिलेक्ट भी किया गया, पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ इन्होंने खेला था। तो गाइस इनको भी हम लोग लेने वाले हैं आज के मैच में। अब यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव और हर्षित पटेल, यहाँ पे कई प्लेयर हैं जो कि हमको यहाँ पे लेना होगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि ऑलराउंडर में से दो प्लेयर एक प्लेयर को हटा देते हैं अभी के लिए। दोस्तों मैं ग्लेन मैक्सवेल को हटा रहा हूँ, लेकिन बाद में चेंजेस आ सकता है, तो आप लोग के मतलब घबराइए मत, ठीक है। तो फाइनल टीम वो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, जो कि मैं स्टोरी के फॉर्म में लगाऊंगा, तो वहां से आप देख के फाइनल टीम बनाइएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की, T20 करियर काफ़ी तगड़ा है, हर एक चीज़ में काफ़ी तगड़े प्लेयर होने चले जा रहे हैं। मोहम्मद समी और मोहम्मद सिराज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो 100% ड्रीम टीम का यहाँ पे स्कोर है, 33 पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया था, और इनको सिलेक्ट किया था 277.57% लोगों ने, और 29 पॉइंट यानी एक विकेट भी इन्होंने लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं इनका पिछला मैच में कैसा था, ये तो यहाँ पे ये आरसीबी के खिलाफ खेल रहे हैं, और यहाँ पे आप देखोगे मोहम्मद सिराज ने एक विकेट लिया था, एक विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया था पिछले मैच में, और 4 ओवर में मात्र 25 रन दिए थे इन्होंने, और 4 ओवर 25 रन दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे अभी हम इनको लेके चलने वाले हैं मोहम्मद सिराज को, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये भी था कि अगले मतलब यहाँ पे कई मैचों में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे बॉलिंग की हुई है। और यहाँ पे एक प्लेयर और जो कि अगले मैच में काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन किया था, ए दीप, आपने अभी देखा है कि ए दीप ने पिछले मैच में मतलब पिछले साल मैच में यहाँ पे दोस्तों देखोगे 3 विकेट लिया था इन्होंने, 3 विकेट लिया है, ठीक है, 3 विकेट लिया है, और 3.5 ओवर फेंका था और 3 विकेट लिया है। तो इनको हम लोग आज के मैच में लेके चलने वाले हैं, आकाश दीप, ये इंडिया के नेशनलिटी इंडिया की इनकी है, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, तो यहाँ पे इनको लेके चलने वाले हैं हम आज इनको ले चलेंगे। और दोस्तों का जो मैच में चेंजेस अगर वो आता है तो आपको वो इंस्टाग्राम मिल जाएगा, हो सकता है दोस्तों मैं यहाँ कुछ चेंज करूँ, यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को भी लेके चल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनका भी जो कि पहला मैच तगड़ा था। और अगर हम बात करें शार्दुल ठाकुर की, जो कि कोलकाता की तरफ से खेला था इन्होंने, और दोस्तों यहाँ पे कोलकाता की तरफ खेला, रॉयल चैलेंजर्स देखते हैं शार्दुल ठाकुर ने, दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने यहाँ पे जो कि मतलब फेंका नहीं था अगले साल, बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन उमेश यादव ने जरूर किया था, ठीक है, उमेश यादव ने जरूर किया था। तो यहाँ पे उमेश यादव ने 2 विकेट लिया था पिछले मैच में, मतलब जो कि 2022 में। अब इस मैच में क्या होगा वो तो बताएंगे, इससे पहले वाले मैच में भी एक विकेट लिए थे उन्होंने।
तो जो चेंजेस है वो आएगा आपको, मतलब यहाँ पे पूरी वीडियो जो कि फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉरी दोस्तों एक जो कि यहाँ पे बैट्समैन गलत सेलेक्ट हो गया था, तो यहाँ पे हमको एक इनको ले लेना है उमेश यादव को, तो यहाँ पे उमेश यादव को ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू एक तरफ दोस्तों एक बार आप लोग देख लीजिए, विकेट कीपर रहेंगे कोलकाता की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज, और बैटर्स में रहेंगे आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फैफ डी प्लेसिस, और कोलकाता की तरफ से बैटर्स रहेंगे एन राणा, ठीक है। ऑलराउंडर में कोलकाता की तरफ से अनिल रशल और सुनील नारायणे, और आरसीबी की तरफ से मिचेल ब्रेसवेल, और बॉलर्स में टीम साउथी रहेंगे, एम सी राज रहेंगे, उमेश यादव रहेंगे और आकाशदीप रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर बात करें दोस्तों कैप्टन की, तो यहाँ पे कैप्टन आपको आज बनाना है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो आज हम लोग कैप्टन बनाएंगे। दोस्तों कैप्टन बनाने वाले हैं टीम साउथी को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, और वाइस कैप्टन बना रहे हैं अभी के लिए मोहम्मद सिराज को, काफ़ी आप लोग प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। कप्तान टीम साउथी और वाइस कप्तान मोहम्मद सिराज, क्योंकि विकेट जाने वाला है तो जान लेना दोस्तों, पावर प्ले में दो तीन विकेट तो जाना तय है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेयर तगड़े हैं और बॉलिंग काफ़ी अच्छी इनकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक साल हो चुका है और काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है, तो हमको सेव कर लेते हैं ये टीम आपको। और दोस्तों कुछ इस तरीके की टीम हमारी बनी हुई है, आप लोग दोस्तों देख सकते हो। अगर फाइनल टीम के लिए दोस्तों टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको पूरी फाइनल टीम मिल जाएगी, कैसे कौन प्लेयर का दोस्तों यहाँ पर चेंजेस होगा, तो वहाँ पर मैं स्टोरी लगाऊंगा, तो आप लोग देख के दोस्तों मुझे मतलब वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, स्टोरी लगेगी जैसे अनाउंसमेंट होते हैं तुरंत आप वहाँ पे देख सकते हो, और जाके थोड़ा मोड़ा चेंजेस कर लोगे अपने टीम में। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।